नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। ईंधन कंपनी ने उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया है। सब्सिडी वाले रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में सोमवार को 5.91 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई। महीने भर के अंदर ये दूसरा मौका है जब कीमत में कटौती की गई है। देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज आधी रात के बाद से 494.99 रुपए हो जाएगी। फिलहाल इसकी लागत 500.90 रुपए प्रति सिलेंडर है। इस महीने ये लगातार दूसरा मौका है जब एलपीजी के भाव कम हुए हैं। इससे पहले 1 दिसंबर को सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत में 6.52 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी। आपको बता दें कि जून से लगातार 6 महीने तक इसके दाम बढ़ गए हैं। IUC ने कहा कि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 120.5 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत कम होने तथा अमेरिका डॉलर रुपया विनिमय द्वारा दर की मजबूत के चलते विपणन कंपनियों के लिए इस ईंधन के दाम में कमी की गुंजाइश बनी है। इस कटौती के बाद 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 689 रुपए होगी। इससे पहले 1 दिसंबर को बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 133 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।